तड़ीपाड़ के बेटे आशीष मिश्रा पर चला सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा, मोदी और शाह के हुए हो। जहां आपको बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने आज यूपी के बहुचर्चित लखीमपुर खीरी कांड में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी है। शीर्ष कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दी गई जमानत निरस्त करते हुए आशीष मिश्रा को एक सप्ताह में सरेंडर करने का निर्देश दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 10 फरवरी को आसरा को जमानत दी थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर आपत्ति जताई थी, जिसमें लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत देने के लिए प्राथमिकी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अप्रासंगिक विवरण पर भरोसा किया गया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने दलील दी थी कि हाई कोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट के साथ साथ चार्जशीट को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने यह कहते हुए जमानत रद्द करने की मांग की थी कि आरोप गंभीर है और गवाहों को जान का खतरा है। उन्होंने यह भी कहा कि हाई कोर्ट के आदेश में दिमागी कसरत का अभाव है। वहीं आशीष मिश्रा की ओर से वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने हाई कोर्ट के आदेश का बचाव करते हुए कहा था कि उनका मुकिल घटना स्थल पर मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा था कि अगर अदालत जमानत के लिए कोई शर्त जोड़ना चाहती है तो वह ऐसा कर सकती है। गत वर्ष 3 अक्टूबर को किसान यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की लखीमपुर खीरी यात्रा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान 4 किसान एक एसयूवी द्वारा कुचले जाने में मारे गए थे। मामले में केंद्रीय मंत्री मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा का भी नाम आया था। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया गांव में हुई उक्त हिंसा के मामले में एसआईटी ने 3 महीने के अंदर टीजीएम अदालत में 3 जनवरी को 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाते हुए 13 लोगों को मुस्लिम बनाया गया था। इन सभी के खिलाफ सोची समझी साजिश के तहत हत्या, हत्या का प्रयास, अंग भंग की धाराओं समेत आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। लेकिन जिस तरह से आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तड़ीपाड़ के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका रद्द कर दी, जिसके बाद से मोदी और शाह के पैरों तले जमीन खिसक गई है। फिलहाल इस खबर को देखकर आप क्या सोचते और समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज डेस्क से हर्षराज की रिपोर्ट।